अच्छा तमीज से बात करने को कह रहा है इडियट। सर प्लीज मुझसे ऐसे बात मत कीजिए। हे गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम रिव्यू करने वाले हैं थलावन फिल्म के बारे में। थलावन एक सॉलिड क्राइम थ्रिलर फिल्म है जो आपको पुलिस फोर्स के अंदर के पॉलिटिक्स और ईगो क्लैशेस के चक्कर में ले जाती है। डायरेक्टर जिस जॉय ने कहानी को काफी ग्रिपिंग बनाया है जिसमें हर कैरेक्टर की अपनी अलग मोटिवेशन और स्ट्रगल्स दिखाई गई है। क्या खास है इस फिल्म में, बीजू मैनन और आसिफ अली ने अपने रोल्स में धमाका कर दिया है। दोनों के बीच में जो टेंशन और पावर डायनेमिक्स दिखाया गया है वो स्टोरी को और भी इंटरेस्टिंग बनाता है। मिया जॉर्ज और अनुश्री का काम भी अच्छा है लेकिन उनका रोल इतना इम्पैक्टफुल नहीं लगता। दिलेश पोठान और कोट्याम नजीर का कैरेक्टर भी कहानी में थोड़ा कॉमिक रिलीफ देता है जो एक सीरियस प्लॉट के बीच में थोड़ा बैलेंस क्रिएट करता है। स्टोरी लाइन अच्छी तरह से अनफोल्ड होती है, सस्पेंस स्लो बिल्ड होता है और लास्ट तक आपको ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर में असली कल्प्रित कौन है। इन्वेस्टिगेशन के बीच में पुलिस फोर्स के अंदर जो ईगो क्लैशेस और हायरार्की की फाइट दिखाई गई है वो कहानी को रियलिस्टिक बना देती है। आखिर ये फिल्म क्यों देखें? सॉलिड परफॉर्मेंस के लिए बीजू मैनन और आसिफ अली की एक्टिंग आउटस्टैंडिंग है जो स्टोरी को और ज्यादा इम्पैक्टफुल बनाती है। ग्रिपिंग स्टोरी के लिए अगर आपको स्लो बर्न सस्पेंस पसंद है तो ये फिल्म आपके लिए परफेक्ट है। इन्वेस्टिगेशन और इंटरनल पॉलिटिक्स को काफी इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाया गया है फिल्म में। डायरेक्शन और सिनेमाटोग्राफी के लिए जिस जॉय का डायरेक्शन शार्प है और सिनेमाटोग्राफी सीन्स को एटमॉस्फेरिक बनाती है, स्पेशली पुलिस स्टेशन के सीन्स काफी ग्रिटी हैं और ये फिल्म क्यों नहीं देखनी चाहिए। पेसिंग इशू को लेकर कहानी का पेस थोड़ा स्लो है जो शायद आपको पसंद ना आए। पहला हाफ थोड़ा ड्रैग करता है लेकिन सेकंड हाफ में पेस पिकअप होता नजर आता है। कैरेक्टर डेवलपमेंट्स को लेकर सपोर्टिंग कैरेक्टर को ज्यादा डेप्थ नहीं दी गई है, स्पेशली फीमेल कैरेक्टर्स के रोल लिमिटेड लगता है। ये थोड़ा डिसअपॉइंट कर सकता है आपको। अगर आपको क्राइम थ्रिलर पसंद है जिसमें इन्वेस्टिगेशन और ईगो का क्लैश दिखाया गया हो तो थलावन फिल्म आपको जरूर पसंद आने वाली है। थोड़ा पेशेंस रखने वाले व्यूअर्स के लिए फिल्म एक स्ट्रॉन्ग वॉच हो सकती है। हाँ अगर आपको फास्ट पेस्ड थ्रिलर या डीप कैरेक्टर आर्क पसंद है तो ये शायद आपको एक्सपेक्टेशन पे खड़ी ना उतरे, लेकिन ओवरऑल ये फिल्म आपको पसंद आने वाली है। तो दोस्तों ये था हमारा रिव्यू थलावन फिल्म के लिए। और अगर आपको वीडियो जरा भी पसंद आया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय।